चाईबासा जिला मुख्यालय से आई है बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूमि जिले में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़। अवैध शराब लेकर जा रहे सरकारी शराब दुकान के दो कर्मचारी गिरफ्तार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चार स्थानों पर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। मिनी फैक्ट्री से सरकारी शराब दुकानों में भेजी जाती थी सभी ब्रांड की नकली शराब। और अब खबर विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूमि जिले के चाईबासा शहर में सरकारी दुकानों पर अवैध नकली शराब बेचने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाताहातू में चार मिनी शराब फैक्ट्री का पता चला, जहां अवैध तरीके से नकली शराब बनाकर सरकारी शराब की दुकानों पर भेजा जा रहा था। इस पूरे कारोबार में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मिलीभगत भी सामने आ रही है, क्योंकि अवैध शराब के साथ जिन दो आरोपियों को पकड़ा गया है वे दोनों चाईबासा शहर के यशोदा चौक के पास स्थित सरकारी शराब की दुकान में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। मिनी शराब फैक्ट्री में तकरीबन हर ब्रांड की खाली बोतल, शराब बनाने का केमिकल, शराब के ब्रांड का स्टिकर और झारखंड सरकार का सील बरामद हुआ है। ये गोरख धंधा कितने दिनों से चल रहा था ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सिंडिकेट के भंडाफोड़ में लगे हुए थे। सोमवार को दोपहर में पाताहातू पुल के पास मोटरसाइकिल से बोर में बांध कर अवैध नकली शराब लेकर जा रहे दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। उन्हें पकड़कर उत्पाद विभाग के कार्यालय ले जाया गया। विभागीय कार्रवाई हो रही थी कि इसी बीच पाताहातू में मिनी शराब फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली। भाजपा के कार्यकर्ता और मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद चार मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एक मकान में एक फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और बाकी 3 मिनी फैक्ट्री का संचालन थोड़ी दूरी पर दूसरे मकान में हो रहा था। बरामद शराब को कब्जे में लेकर पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब आइए देखते हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी ने क्या कहा। क्या कार्रवाई हुई है? बहुत बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद अधीक्षक को पिछले 3-4 माह से सूचना दी जा रही थी कि शहर में डुप्लीकेट दारू बिक रहा है, आप इस पर ध्यान दें। वो ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि डुप्लीकेट दारू नहीं बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 3 माह से लगातार इस पर निगाह रखे हुए थे, जिसका परिणाम आज सामने आया। पाताहातू में 3 बड़ी बड़ी गोदाम है जहां दारू बनाया जाता है, ब्रांड है, उसका लेबल है, सभी कंपनी की बोतल है, पंचिंग मशीन है और दारू बनाने वाला केमिकल का बोतल भरा हुआ है, खाली पानी है और सभी गोदाम में ताला बंद है। मुफस्सिल थाना प्रभारी को सूचना दी गई है, उन्होंने आकर तीनों गोदाम का ताला तोड़ा है और भारी मात्रा में 2 नंबर सभी किस्म का ब्रांड यहाँ उपलब्ध है। जितने जिला में दारू बेचा जा रहा है टोटल 2 नंबर और डुप्लीकेट दारू बेचा जा रहा है, जिसकी मिलीभगत एक एक उत्पाद पदाधिकारी मिले हुए अधीक्षक से लेकर। हम आग्रह करेंगे सरकार से, उत्पाद अधीक्षक का संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कई लाख रुपए डेली की उनकी कमाई इस अवैध दारू से। हम आग्रह करेंगे राज्य सरकार से कि इनकी जांच करें और जांच करके उचित कार्रवाई करें और तुरंत सभी दारू दुकान को बंद किया जाए, ताकि आम जनता, आम ग्रामीण लोग मरने से बचे। हम आग्रह करेंगे आम पब्लिक से भी कि जब तक दारू की जांच नहीं होती है आप कृपया दारू पीना बंद कर दें, क्योंकि सभी सरकारी दुकान पर 2 नंबर की दारू बिक रही है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वही लेबल लगाया जा रहा है। जो आप दारू पीकर बोतल फेंकते हैं वही बोतल को पैकिंग करके आप बेचा जा रहा है, आप बोतल से नहीं पकड़ पाएंगे कि डुप्लीकेट दारू है। 3 गोदाम पकड़ी गई है, तीनों में हजारों हजार की बोतल पैक और खाली पकड़ा गया है, 500 बोरा दारू पकड़ा गया अभी तक 3 गोदाम में। हम आग्रह करेंगे सरकार से कि उचित कार्रवाई करें और सभी पर प्राथमिकी दर्ज करें।